नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज का ये अगला पार्ट है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, फर्स्ट आज करंट अफेयर्स आज का जो है देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS सम्मेलन का 2022 का उद्घाटन किया। अमित शाह ने, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। इस सम्मेलन में देश भर से 600 अधिकारी भौतिक और आभासी रूप से भाग ले रहे हैं। इसमें 600 अधिकारी जो है भाग ले रहे हैं, फिजिकल भी ले रहे हैं, फिजिकली आ करके भी, और काल्पनिक यानी कि वर्चुअली भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें आतंकवाद, कट्टरवाद आदि शामिल हैं। इसमें मेनली जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन है, इसमें कट्टरवाद, आतंकवाद, इन सभी चीज़ों पर विषय पर चर्चा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि केंद्र ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए सीमा बढ़ाई। केंद्र ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए सीमा बढ़ाई। सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत दंडनीय अपराधों को के संबंध में गिरफ्तारी और जमानत के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन और गिरफ्तारी की सीमा को सामान में तस्करी और अवैध आयात के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है, और वाणिज्यिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया है। सीमा शुल्क जो है बढ़ा दिया गया है, जो 20 से 50 और 1 से 2 करोड़ कर 20 से 50 लाख यानी कि आयात में 20 से 50 लाख तक बढ़ा दिया है। फिर वाणिज्यिक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिए 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आतिथ्य संबंधी क्षेत्रों की सहायता के लिए क्रेडिट कार्ड ग्रांटी योजना का विस्तार किया गया है। आतिथ्य संबंधित क्षेत्रों की सहायता के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे इसकी सीमा पाँच लाख करोड़ रुपए की हो गई है। यह अतिरिक्त राशि आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमों जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे के लिए निर्धारित की गई है। 5 अगस्त तक ECLGS के तहत 3.67 लाख करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृति किए गए थे। आतिथ्य संबंधित क्षेत्रों की सहायता के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और प्रसार भारती के बीच समझौता हुआ है। थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और प्रसार भारती के बीच समझौता हुआ है। थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस थाई PBS ने भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और थाईलैंड के चिकित्सा विज्ञान विभाग के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान सहयोग पर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर किया गया। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी भारत और फ्रांस परिवहन क्षेत्र समझौते को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस परिवहन क्षेत्र के समझौते को मंजूरी दे दी है। 17 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय परिवहन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत फ्रांस के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। अनुबंध पर 6 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध के तहत की जाने वाली गतिविधियों से भारत परिवहन क्षेत्र और डिकार्बोनाइजेशन के लिए नए वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त होंगे और
प्रौद्योगिकी विकल्प की पहचान होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्रांस और भारत और फ्रांस परिवहन क्षेत्र को क्या किया, मंजूरी दिया है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु रंधावा ने जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने। गुरु रंधावा जो है जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि बने। भारतीय मूल के उद्यमी गुरदीप सिंह रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उन्हें भारतीय समुदाय की चिंताओं को सुनने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य हैं। जर्मनी के सबसे मजबूत रणनीतिक पार्टी है जिसके अध्यक्ष फ्रेडरिक मर्ज हैं। आगे है सिक्किम के मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर शुरू की महिला कल्याण योजना। सिक्किम के जो मंत्री हैं उन्होंने महिला कल्याण योजना जो है शुरू किया है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो पीएस तमांग ने 15 अगस्त 2022 को राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए दो योजनाओं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री ने दो योजना का शुभारंभ किया स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे। एक वो भी महिला कल्याण योजना है, पहला है अम्मा योजना, दूसरा है वात्सल्य योजना। अम्मा योजना के तहत जो है राज्य के सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे जो उनके निजी बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री है, सभी अम्मा योजना के तहत दो योजना शुरू किए हैं, एक अम्मा योजना और दूसरा वात्सल्य योजना। अम्मा योजना के तहत जो है 20,000 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक महिलाओं को, साल एक साल में उनके डायरेक्ट खाता में जाएगा। और दूसरा है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है उनको जो है 3 लाख तक का वात्सल्य योजना के तहत मदद मिलेगा। आगे भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए, भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए ONGC ने एक्सान मोबिल के साथ करार किया है। भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए, समुद्र में रिसर्च के लिए जो है ONGC ने किया एक्सान मोबिल के साथ करार किया है। एक्सान मोबिल एक अमेरिकी कंपनी है, तेल कंपनी है। आगे है भारतीय सेना को सौंपी गई स्वदेश में विकसित हथियार प्रणाली। भारतीय सेना को सौंपी गई स्वदेश में विकसित हथियार, मतलब अपने देश के द्वारा जो अपने देश में जो विकसित हथियार जो प्रणाली है उसको भारतीय सेना को सौंपी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त 2022 को भारतीय सेना के नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम सौंपी। दोनों प्रणालियों भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी के रूप में निर्मित की गई है। FINAINSAS परियोजना का उद्देश्य सेना आधुनिकीकरण करना और सेना की परिचालन को क्षमता को बढ़ाना है। आगे है देखिए कि विलियम रूटो केन्याई राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित हुए। विलियम जो रूटो है केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित हो गए हैं। केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो, पहले से ये उपराष्ट्रपति थे अब ये राष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। 50.5% वोट इनको मिला है। उसके बाद में जो है यह पहली बार था जब रूटो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में थे। उन्होंने 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे। रूटो राष्ट्रपति उड़ू केन्याटा का स्थान लेंगे। केन्या का राजधानी कहाँ है, तो नैरोबी है। केन्या का मुद्रा केन्याई शिलिंग है। आगे है कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.5% ऋण सहायता योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय जो कृषि क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कृषि क्षेत्र को 1.5% ऋण का
ऋण सहायता योजना को मंजूरी दिया है। अब देखिए, इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के लिए कृषि ऋण पर 1.5% की ब्याज छूट को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के परिव्यय को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक करने को मंजूरी दिया है। आगे है, इसरो को गगनयान के प्रक्षेपण के लिए हॉल से मिला क्रू मॉड्यूल, यानी कि इसरो को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 अंतरिक्ष उपकरण मिले हैं, जिनका उपयोग भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के पहले मानव रहित विकास परीक्षण में किया जाएगा। यह इसरो द्वारा गगनयान के लिए लिया गया दूसरा क्रू मॉड्यूल फायरिंग है। इसरो जो है, यह दूसरा क्रू मॉड्यूल फायरिंग लिया गया है, दूसरा है इसरो के द्वारा। CMF एक सुरक्षात्मक संरचना है जो भारत के भावी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के वास्तविक आवास को बाहर की ओर से ढक कर संरक्षित करेगी। आगे है कि RBI ने जारी किया भुगतान प्रणाली के शुल्क पर चर्चा पत्र। भुगतान प्रणाली के शुल्क पर चर्चा पत्र जो है RBI ने जारी किया है। RBI ने जनता की राय जानने के लिए भुगतान प्रणाली पर एक चर्चा पत्र जारी किया। पत्र में उठाए गए सवालों के लिए 3 अक्टूबर 2022 तक प्रतिक्रिया दी जा सकती है। चर्चा पत्र में भुगतान प्रणाली के शुल्कों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, NEFT, निफ्ट, RTGS और UPI आदि के माध्यम से लेन देन पर लगने वाले शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा। आगे है, रेन्यू पावर को मिला 12 वैश्विक ऋणदाताओं से $1 बिलियन का ऋण। रेन्यू जो पावर है उसको वैश्विक ऋणदाताओं से $1 बिलियन का ऋण मिल गया है। रेन्यू पावर देश के नवीनीकरण क्षेत्र में किसी एक परियोजना के लिए सबसे बड़े बाहरी वाणिज्यिक उधार ECB परियोजना के वित्त ऋण के लिए और रैबो बैंक के नेतृत्व में 12 अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के साथ करार किया है। ऋण को एक विशेष प्रयोजन इकाई के माध्यम से जोड़ा गया है। इसको हाइब्रिड राउंड द क्लॉक बैटरी क्षमता परियोजना के लिए तैनात किया जाएगा। रिन्यू पावर के अध्यक्ष CEO सुमन सिन्हा हैं। चलिए आगे देखते हैं, 16 से 19 अगस्त तक भारत की यात्रा पर आए रॉयल मलेशिया नौसेना के प्रमुख। भारत की यात्रा पर आए हैं रॉयल मलेशिया के नौसेना के जो प्रमुख है वो भारत के यात्रा पर हैं। रॉयल मलेशियन नेवी के चीफ एडमिरल टैन श्री मोहम्मद रेजा बिन मोहम्मद सनी 16 से 19 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आगे है, देखिए अभी जो एक चीज़ और है कि मलेशिया और भारत ने हाल ही में जो है अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का जो है समापन किया है। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण जो है ये भारत और मलेशिया के नौसेना का एक्सरसाइज है, दोनों का साझा एक्सरसाइज है। आगे है, केंद्र ने लॉन्च किया पालन 1000 अभियान और पेरेंटिंग ऐप। केंद्र ने लॉन्च किया पालन 1000 अभियान और एक पेरेंटिंग ऐप। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 16 अगस्त 2022 को मुंबई में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेंटिंग ऐप को आभासी के रूप में लॉन्च किया है। पालन 1000 पहले 1000 दिनों की यात्रा बच्चों के जीवन के पहले 2 वर्षों में उनके संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है, जबकि लॉन्च की गई ऐप माता पिता या बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगी। आगे चलते हैं,
राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया। राजस्थान की सरकार ने स्नातकों के लिए एक टेक जो सेंटर है उसका उद्घाटन किया है। इसके तहत जो है तकनीकी स्नातकों को अधिक रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर या RCAT का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 20 अगस्त 2022 को 2 दिवसीय डीजी फेस्टिवल 2022 के दौरान किया जाएगा। RCAT स्नातकों के लिए 1 सप्ताह से 6 महीने तक की अवधि के साथ उन्नत और उभरती सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवाएं मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो योजना है वो कहाँ शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने अगस्त 2022 में पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चांग ताजो एक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सफलतापूर्वक शुरू की। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये योजना जो है अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। पायलट परियोजना को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित किया गया और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप रेड विंग लैब्स द्वारा निष्पादित किया गया। इसे विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से लॉन्च किया गया। यानी कि आपको जो अरुणाचल प्रदेश ने मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना शुरू किया गया है, ये ड्रोन से जो है सेवा किया जाएगा। ये पहला ज़िला है जो पूर्वी कामोंग ज़िला है उसमें चलाया गया है। आगे देखिए, केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। केविन ओब्रायन आयरलैंड के खिलाड़ी थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए थे। उनके नाम ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने तीन टेस्ट 153 एक दिवसीय और 110 T20 में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया। 2011 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 63 गेंदों में जो है 113 रन बनाकर मैच जीतने के बाद पहली बार विश्वव्यापी प्रसिद्धि हासिल की। चलिए, केविन ओब्रायन इसका मेन न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, वे आयरलैंड के खिलाड़ी थे। अल्केश कुमार शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किए गए हैं। अल्केश कुमार जो शर्मा है संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के लिए गुटरेस के राजदूत गगन अमनदीप सिंह गिल को भी पैनल में नियुक्त किया गया है। पैनल का उद्देश्य इंटरनेट के रणनीतिक और जरूरी मुद्दों से निपटना है। चलिए अगला है, इसरो ने गगनयान के प्रक्षेपण के लिए हॉल से मिला क्रूज मॉडल। इसरो को गगनयान के प्रक्षेपण के लिए जो है हॉल से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो आप लोग समझते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके इसरो है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है आपको बेंगलुरु में है। तो यहाँ पे है हॉल द्वारा निर्मित 2 अंतरिक्ष उपकरण मिले हैं जिनका उपयोग भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के पहले मानव रहित विकास प्रक्षेपण में किया जाएगा। यह इसरो द्वारा गगनयान के लिए किया गया दूसरा क्रू मॉड्यूल फेयरिंग है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों आज का करंट अफेयर्स है ये। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, या जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा।
इसमें और इसको कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए जो है नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।